देखिए आपको पता ही होगा विजय और गोंडा की लाइगर 25 तारीख को आ रही है और भाई मैं 100% कह सकता हूँ विजय सर की लाइगर की 1000 करोड़ कमाई 32 समझो भाई। ये फिल्म का प्रमोशन के लिए इंडिया का एक भी कोना नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर लाइगर कैसे और क्यों बन रही है इंडिया की फेवरेट फिल्म। देखिए आपने RRR मूवी के रिलीज के टाइम में देखा होगा राजम ने भी फिल्म मार्केटिंग और प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए फिल्म का प्रमोशन तीन टाइप में किया जाता है, एक तो कहीं हॉल में ढेर सारे मीडिया लोग बुलाकर अपने फिल्म के बारे में बताया जाता है और दूसरा होता है ऑनलाइन प्रमोशन, ऑनलाइन किसी के साथ इंटरव्यू के द्वारा मार्केटिंग किया जाता है। देखिए ये दो तो मार्केटिंग तरीका बहुत आसान रहता है, ज्यादा दिमाग का दही नहीं होता इसमें, हर फिल्म मेकर कर लेता है ये सब, पर जो तीसरा है ना वो सिर्फ 10% लोग ही कर पाते हैं। जैसे राजामौली एनटीआर रामचरण ने किया था पब्लिक में घूम घूम के प्रमोशन, जैसे RRR की टीम कोलकाता गई थी, जयपुर गई थी, मुंबई और साथ में बनारस भी गंगा जी किनारे पहुंचे थे वो लोग, जहां हजारों की संख्या में लोग आ गए थे इनको दिखने के लिए। देखिए जो पब्लिक प्रमोशन है ना बहुत रिस्की होता है, कई बार बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ जाते हैं, कभी कल कुछ घटनाएं भी घट जाती है, एक्टर सब की जान पर ही बात आ जाती है, इतना भीड़ हो जाता है वहाँ। और ठीक यही मार्केटिंग तरीका विजय और गोंडा भी लगा रहे हैं। अभी लाइगर को रिलीज होने में 30 दिन बाकी था पर ये एक भी दिन चैन से नहीं बैठे हैं, कभी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई सब जगह पहुंच चुके हैं। रिसेंटली तो विजय और गोंडा मुंबई के एक मॉल में फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, बट वहाँ इतने सारे लोग आ गए ना तो इवेंट कैंसिल करना पड़ा, भीड़ बेकाबू हुई थी। ऊपर से लेडी एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी थी साथ में उस इवेंट में, मजबूरन सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए ये लोग वहां से निकल गए, बट आज तक कोई नहीं कर सका, विजय साहब ने कर दिया जी। और रिसेंटली हमारे बिहार के पटना में भी आए हुए थे वो लोग, और मैं बता दूं आज तक कोई बॉलीवुड वाला भी पटना में नहीं आया अपने फिल्म मार्केटिंग के लिए, और ये तेलंगाना से पटना आए थे। देखिए विजय देवगौड़ा पटना के एम कॉलेज में आए हुए थे, वहीं कॉलेज फील्ड में इवेंट को अरेंज किया गया था जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और यहां भी बीच इवेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ के कारण। खैर अच्छे अनन्या पांडे जी नहीं थी यहां, इसलिए थोड़ा ज्यादा देर पटना में और बिता पाए वो। देखिए अभी विजय साहब कहीं रुकने वाले नहीं है, अभी बहुत से स्टेट में जाने वाले हैं मार्केटिंग के लिए जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की है। भाई मैं तो देख के ये दंग हो गया, इन्होंने आज तक ना कोई बॉलीवुड फिल्म की है तब भी इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है हिंदी के ऑडियंस में, इतना तो कोई बॉलीवुड के स्टार के कारण भीड़ ना इकट्ठा होती है, ना विजय और गोंडा के लिए जनता पहुंच रही है। वेल देखिए विजय और गोंडा अपने फिल्म लाइगर के जिम्मा के लिए अपने सर उठा लिए, हर जगह ये प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, और ऐसे फिल्म को विजय साहब रम्या कृष्णन अकेले संभालने वाली हैं। रम्या कृष्णन अपने डायलॉग से बाहुबली का फील करा रही है, और ऐसे भी अनन्या पांडे से जनता को एक रहती भी उम्मीद नहीं है, वो इस बार भी कुछ एक्टिंग और टैलेंट के जलवा दिखा पाई होंगी लाइगर में। ऊपर से विजय और गोंडा का फिल्म का कैरेक्टर भी एकदम हार्डी था, हकलाने वाले इंसान का रोल करना था इनको, और इन्होंने अपने फिल्म लैंग्वेज डबिंग खुद ही की है, कोई वॉइस आर्टिस्ट को नहीं लिया गया। बाकी देखते हैं फिल्म कितने ऑडियंस को पसंद आती है, इनका मेहनत रंग लाता भी है नहीं वो तो 25 तारीख को ही पता चलने वाला है। बाकी आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तब तक आप सभी को अलविदा।